जानिए कैसे बनते हैं SDM और क्या मिलती है इनकी सुविधाएं। हमारे समाज में अधिकारियों को बेहद ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है, उन्हें समाज में आदर की निगाहों से देखा जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। जिस किसी भी गांव जवार में कोई भी लड़का IAS अधिकारी बन जाता है, उस इलाके में उसके घर परिवार के लोगों को बड़ी इज्जत मिलती है। अपने बच्चों को अधिकारी बनाना हर माँ बाप का सपना होता है। इन्हीं अधिकारियों में से एक आज हम जिसकी बात करेंगे वो है SDM। SDM का पूरा नाम है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इस पद पर नौकरी करने वाले उम्मीदवार सब डिविजन में लॉ एंड ऑर्डर के साथ राजस्व प्रशासन और डेवलपमेंट से जुड़ी कार्यों को देखते हैं। SDM बनाने की इच्छा जहां माँ पिताजी की होती है, तो वहीं छात्र छात्राएं भी ऐसा यानी कि इस अधिकारी बनना चाहते हैं। वे खुद अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। देश में बेहतरी के लिए ये अधिकारी कार्य करते हैं और इसी जज्बे के साथ हुई परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। आइए अब जान लेते हैं SDM के बारे में। सबसे पहले यह समझते हैं कि SDM बनता कौन है। बता दें कि IAS या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जिससे UPSC की परीक्षा पास की है, उसे अपने ट्रेनिंग के बाद SDM का पद दिया जाता है। उसे SDM के रूप में सेवा करने का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें डिप्टी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कलेक्टर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो उम्मीदवार PCS की परीक्षा यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से पास होकर आते हैं, इन उम्मीदवारों को SDM बनाया जाता है। लेकिन इनकी रैंक उस दौरान बेहतर होनी चाहिए। SDM बनने के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए? SDM बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों की सबसे पहली शर्त यही होती है कि वह भारतीय होना चाहिए। इसके बाद उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, या अगर अभी ग्रेजुएशन नहीं पूरा हुआ है तो उन्हें स्नातक के आखिरी साल में होना चाहिए। क्योंकि जब आप पहली परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में सर्टिफिकेट के रूप में मार्कशीट की आवश्यकता होती है, उसे दिखाना पड़ता है। SDM बनने के लिए किसी भी पृष्ठभूमि यानी कि टेक्निकल, प्रोफेशनल, मेडिकल या फिर अकाउंटिंग के उम्मीदवार भी इसे आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम आयु सीमा की बात कर ले तो SDM बनने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 से 32 साल होनी चाहिए। वहीं SC ST के उम्मीदवारों के लिए 21 से 37 साल होना चाहिए। तो वहीं OBC की बात कर ले तो OBC उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 35 साल होनी चाहिए। उम्र सीमा में कोई अन्य लोगों को भी छूट दी गई है, जिसमें कि रक्षा सेवाओं में अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी सेवा के साथ कोई ऑपरेशन पूरा नहीं किया है तो उसे 35 साल की आयु विस्तार मिलता है। ऑप्टिज्म, बहरापन, बौद्धिक विकलांगता, लोकोमोटर विकलांगता आदि जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों को 10 साल का विस्तार मिलता है, यानी कि उनकी आयु सीमा 42 साल हो जाती है। तो ऐसे में ये जितने भी फिजिकल हैंडीकैप हैं उन्हें उम्र सीमा जो है उनकी 42 साल की होती है। ऐसे में अब आपके दिमाग में यह चल रहा है कि आखिर SDM बनने के लिए करना क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि इस पद को पाने के लिए आपको UPSC या फिर PCS की परीक्षा पास करनी होगी, तब आप इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले दोनों में से किसी एक परीक्षा का प्रीलिम्स पास करना होगा, उसके बाद मेन परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद आप इंटरव्यू पास करने के बाद IAS अधिकारी बनेंगे, तब आपको यह पद मिलेगा। IAS बनने के बाद ट्रेनिंग के बाद यह पद मिलता है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जब कैडर अलॉटमेंट होता है तब SDM का पद उन्हें दिया जाता है। वहीं PCS की परीक्षा में अच्छी अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को यह पद यानी कि SDM का पद दिया जाता है। SDM बनने के बाद किस किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिलती है, SDM का सबसे पहले जान लेते हैं उनका वेतन मन क्या है। क्योंकि किसी भी अधिकारी का वेतन जानने की इच्छा हर किसी को होती है। तो SDM का जो वेतन मान है 9300 से 34800 रुपये, और उनका ग्रेड पे जो है वो 5400 रुपये का है। आपको बता दें कि SDM के शुरुआती जो वेतन है वो 56100 रुपये से शुरू होती है। इसमें कई तरह के भत्ते जुड़े होते हैं। वहीं अगर हम इनकी सुविधाओं की अन्य सुविधाओं की बात कर लें तो SDM को सरकारी आवास, सुरक्षा कर्मी, घरेलू काम करने के लिए हेल्पर यानी कि नौकर जिसे हम कह सकते हैं, सरकारी वाहन, एक टेलीफोन कनेक्शन, फ्री बिजली बिल, आधिकारिक यात्रा के दौरान आवास सी की सुविधा, हायर एजुकेशन के लिए अवकाश और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधाएँ जो है वो मिलती है। तो SDM पद के लिए अगर कोई आप इच्छुक हैं या फिर आप तैयारी करना चाहते हैं तो SDM की जो तमाम सुविधाएं हैं वो यानी कि अधिकारी को जो एक अधिकार होता है वो, और उसके बाद तमाम तरह की सुविधाएं जो है हर कोई लेना चाहता है। ऐसे में अगर आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर PCS में अच्छी रैंक लाते हैं तब जो है आप SDM का पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए
बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।